गुड मॉर्निंग क्लास में, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। पिछली क्लास में मैंने आपको बच्चों पार्ट 3 पढ़ा दिया था और आपने इसका वर्क पूरा कर लिया था। तो आज आप क्या पढ़ेंगे बच्चों? संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। बहुत ही सिंपल है संज्ञा। दुनिया के जितने भी नाम हैं, इस वर्ल्ड के जितने भी नाम हैं, सब संज्ञा हैं। कोई भी नाम, जैसे किताब संज्ञा, मोबाइल संज्ञा। लेकिन मोबाइल कैसी संज्ञा है, किताब कैसी संज्ञा है, हमें इसे सबको पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा नदी, वो भी एक संज्ञा है। आपका घर संज्ञा है, आपका नाम संज्ञा है। दुनिया में जितने भी नाम हैं, कोई भी नाम, सब संज्ञा है। सब चीज़ वर्ड की सब चीज़ संज्ञा ही है, ठीक है। अब देखो क्या करें, किसी व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति मतलब इंसान, वस्तु, वस्तु मतलब सामान यानी चीज़ें, और स्थान, स्थान माने क्या, जगह का नाम, जैसे अयोध्या, जैसे लखनऊ, जैसे प्रयागराज, जैसे दिल्ली, मेरठ, गुजरात, कोई भी, मुंबई, कोई भी जगह। और भाव यानी कि फीलिंग्स, यानी कि प्रसन्नता, दुखी, है ना, और उदासी और दुख। तो ये सब क्या है? सब संज्ञा है। सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। के नाम को, ना नाम, नाम मतलब नाम होना चाहिए, तो नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब बेटा संज्ञा को हम लोग 3 कैटेगरी में रखते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिसमें किसी व्यक्ति और वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने कहा लखनऊ, ताजमहल, आगरा, प्रयागराज, मुंबई, शिमला, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, किसी जगह का नाम आ रहा है ना, तो जितने भी जगह के नाम हैं, व्यक्ति के नाम भी, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, राधा, कृष्णा, मीरा, किसी व्यक्ति के नाम, किसी जगह के नाम, उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? व्यक्ति का नाम और जगह का नाम, ठीक है। वस्तु का नाम भी हो जाएगा, तो व्यक्ति का नाम और जगह का नाम और वस्तु का नाम। जैसे मैंने कहा था किताब, तो किताब क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिस चीज़ एकदम कन्फर्म ना हो, जैसे मैंने कहा राम, तो राम क्या है? राम एक लड़का है। लेकिन मैंने कह दिया होता लड़का, तो मैंने किस लड़के की बात की? आपको पता है मैंने कहा वो लड़का बहुत दुष्ट है या वो लड़का बहुत अच्छा है, तो मैं किस लड़के को कह रही हूँ कि वो अच्छा है या गंदा है? आपको पता है? नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ विशाल बहुत दुष्ट है, या राम बहुत दुष्ट है, या श्याम बहुत दुष्ट है, या फिर कोई भी बच्चा अगर गंदा है, तो आपको उसका नाम पता चल जाएगा। तो जब नाम बताया जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर पूरी कैटेगरी बता दी जाए तो वो जातिवाचक। जैसे शेर, नदी। अब नदी, यहाँ पर नदी की बात की गई है ना। अब नदी में क्या है? नदी कौन सी नदी? गंगा नदी, सरयू नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कौन सी नदी? आपको पता है कौन सी नदी? नहीं, सारी नदियाँ हैं। क्या हो गया? जातिवाचक। फूल, फूल को देखो, कौन सा फूल? गुलाब का, कमल का, चमेली का, कौन सा फूल? पता ही नहीं है। तो जिसमें पूरी जाति का बोध हो, उसे लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक। और भाव, भाव यानी कि फीलिंग बेटा, फीलिंग। जैसे मैंने क्या बताया था, जैसे कि किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष, है ना, क्वालिटी होगी, उसमें अच्छी क्वालिटी होगी, बुरी क्वालिटी होगी, और उसकी अवस्था के हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा। अवस्था मतलब जैसे अभी हम लोग क्या है, बचपन में हैं। आप लोग मतलब बचपन में हो, हम क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं। इसके बाद क्या आएगा? बुढ़ापा आएगा, है ना। तो ये सभी क्या हो गया? बचपन और फिर बुढ़ापा और फिर वीरता, है ना। किसी से प्यार से बोलते हैं तो उसमें उसकी वाणी में क्या होता है? मिठास होता है, है ना। सुख दुख, ये सब क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा, फीलिंग्स होगी, भाववाचक। अब देखो जातिवाचक संज्ञा से बेटा हम लोग क्या करते हैं?
भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। देखो जैसे बच्चा, तो बच्चा से क्या हो जाएगा, बचपन, लड़का लड़कपन, बूढ़ा बुढ़ापा, वीर वीरता, है ना, मनुष्य मानवता या मनुष्यता, लड़कपन दास, बुढ़ापा मानव, है ना। तो ये सभी क्या है, हम लोग एक जाति को दूसरे में क्या करते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बदला भी जाता है, ठीक है। अब देखो इसको बदलने का कई तरीका होता है। एक हम लोग सर्वनाम के द्वारा भी बदल सकते हैं। तो सर्वनाम से कैसे बदलेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, अपना, तो अपनापन, स्व स्वतत्व, निज निजतत्व, यानी सब में क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो लास्ट में त्व लग रहा है, और सर्व का सर्वस्व, है ना, सम समता, पराया परायापन, अपना आप आपा, अहम अहंकार, है ना। कुछ बेटा क्या होता है, विशेषण द्वारा भी हम लोग बदलते हैं, भाववाचक बनाते हैं, जैसे ठंडा ठंडक, अच्छा अच्छाई, मोटा मोटापा, प्यासा प्यास, बड़ा बड़प्पन, लघु लघुता, काला कालीमा या कालापन, है ना। तो ये सब क्या हो गए, इन सबको हमने बदला विशेषण द्वारा। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग क्रिया द्वारा बदलते हैं, जैसे हंसना हंसी, खेलना खेल, चढ़ना चढ़ाई, है ना, और उड़ना उड़ान, चलना चल, पढ़ना पढ़ाई। तो ये सभी किसके द्वारा बदला, हमने क्रिया के द्वारा। अभी तक मैंने आपको संज्ञा के कितने भेद बताए, तीन। जब हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो संज्ञा के केवल तीन ही भेद पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में पाँच होते हैं। तो यहाँ पर भी हम पाँच पढ़ेंगे, लेकिन इसको दो अलग रखते हैं, है ना। तो वो दो अलग कौन है, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ है, जैसे देखो दूध, सोना, चीनी, चांदी, है ना, ये सभी क्या हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे क्या कह रहे हैं, 3 लीटर दूध देना, तो दूध क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। डिब्बे में 2 किलो चीनी है, डिब्बा भी क्या है बेटा, डिब्बा भी संज्ञा है, लेकिन चीनी, चीनी कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। आपको द्रव्यवाचक संज्ञा ढूंढना था, मतलब डिब्बा, डिब्बा क्या है, डिब्बा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दुनिया में मैंने कहा ना, कोई भी जो नाम है, नाम जो होगा वो सभी क्या है, संज्ञा है, ठीक। अब दूसरा क्या है, समूहवाचक संज्ञा, मतलब ऐसी संज्ञा जो समूहों में चलती है। जैसे क्या हो गया, सेना, सेना आपने देखा, सेना में कोई एक व्यक्ति होता है कि नहीं, सेना में कोई एक आर्मी होता है कि सब, पूरी आर्मी को हम लोग क्या कहते हैं, सेना कहते हैं। तो पूरी जितने मिलिट्री मैन होते हैं सबको मिलाकर कहते हैं सेना, तो वो सेना हो गई। जैसे कक्षा, अब कक्षा किसी एक बच्चे से कक्षा बनती है नहीं, कक्षा में क्या होते हैं, गर्ल्स बॉयज सब होते हैं, मिला के बनता है सेना। अब भीड़ देखो, भीड़ भी कोई एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति भीड़ बना सकता है नहीं, जब ढेर सारे लोग होंगे तभी क्या होगा, भीड़ होगा, देखो सेना होना है, मैंने पहले ही बताया था, पुलिस, है ना, तो कुछ भी हो जो ग्रुप में हो। जैसे क्या, मेरी कक्षा सुंदर है, सड़क पर भीड़ जमाती, हमारी सेना युद्ध में जीत गई, ठीक है। तो बेटा क्या हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। आंसर देख लीजिए, सभी के आंसर यहाँ आपको ऊपर दिए हुए हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं, देखो दोनों का आंसर ये है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 क्या है, संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, आंसर नंबर 2, ठीक है। आंसर नंबर 3 क्या है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पीछे आएंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, तो आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन दी है, ये मैंने बताया था, व्यक्तिवाचक माने किसी इंसान का नाम, मतलब जगह का नाम, वस्तु का नाम, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा डेफिनेशन डाल के ये पूरा एग्जांपल सहित और ये फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे, और जातिवाचक संज्ञा इसको भी डाल के फिगर सहित ड्रॉ करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, भाववाचक शब्द किन से बनते हैं, है ना। तो भाववाचक शब्द बेटा यहाँ पे देखो, ये आपका आंसर नंबर 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं, यहीं से लिखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनाए जाते हैं, आंसर नंबर 4। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास दोनों की डेफिनेशन दी हुई है, द्रव्यवाचक संज्ञा आप इसको नोट करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, समूहवाचक संज्ञा इसको भी नोट करेंगे, पूरा फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ये पूरा पूरा नोट करना है, ये आंसर नंबर यहाँ से लेके
यहाँ तक आपका आंसर नंबर 5 है। फिर से देखो बेटा, आंसर नंबर 5 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, खत्म। आप देखो एक्सरसाइज पे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बोध होता है, किसका बोध होता है? मैंने कहा था उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग वस्तु के बारे में जानेंगे, स्थान के बारे में जानेंगे और जगह के बारे में। तो ये देखो वस्तु, स्थान और, ठीक है, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो सेना। भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? क्रिया तथा विशेषण से, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। संज्ञा के 3 भेद हैं, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा मानवता है। विद्वानों के अनुसार 2 और भेद माने जाते हैं। 5 लीटर दूध देना में द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? दूध है, ठीक है। तो संज्ञा का यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। आपको लिखा है, इसको देख करके बुक में फिल कर लीजिएगा और ये सही गलत पे सा और गा लिखना है, ठीक है। कंप्लीट कर लेना बेटा चैप्टर। चैप्टर जैसे ही पूरा हो जाएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। मैं आपको भेज दूँगी पूरा एक्सरसाइज। आपको क्या करना, क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोट कर लेना है। तो आपका 4 चैप्टर ख़त्म हो गया है और अब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लिंग, ठीक है बच्चों। तो ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।